जिसमें लड़के रोहतास के बाग में सर्प लड़ा तो रानी उमदनावत रोती पीटती उस बाग के करीब पहुंची। उसके रोने की आवाज को सुनकर बाग का माली आ जाता है, कौन है? सारे बाग का सत्यानाश कर दिया, सारे फल पत्ते झाड़ दिए। ने बोली रे कहाँ कहाँ तेरा बाग उजाड़ू थी, मेरा तो खुद कहे चमन उजड़ गया। तब वो प्रार्थना करती उससे, क्या ओ अरे मैं क्यों जानू तेरे बागन मेरे चमन का चोर आज तेरे बागन में पाया। अरे सुन नौले के बगाड़े तेरे रे बाग में हो गए ताले। सुन नौले के बगाड़े तेरे पूतले जंगले नाचन लंबी गर्दन का मोर लड़ा हटका ना आया। देखे क्यों लावे अने दोषी कदो मेरा जीवानिया सोसो को खड़ी मैं सोने बेतारू कित धार की मैं टक्कर मारू। खड़ी मैं सोने बेतारू कित खड़ी पुकारू लागन कई लकड़े हाथ डोर मन सुता ना आया। ये चला हुआ है कार्यक्रम, अभी वो थोड़ा एक हो रहा था तुमने हंसी मजाक करने के लिए। दरअसल हंसना हंसाना जिंदगी हंसना जरूर चाहिए मानस ने, क्योंकि हंसने से मानस की कई बीमारी जड़ते चली जाए। ये तो बत्ती मानस नहीं है मरा हंसते कौन है क्या। वो एक बूढ़ा बीमार हो गया, कई दिन हो गए मर मर जी वक्त तले तार दे फिर सांस आ जाए। और इबी चल रही है तले तान की रवाज सी, देख रहे हो घर घर नीम की डाली टंगरी से मिजन में कोई घर बच रहा, चाहे शहर हो चाहे गांव सारे का टंगरी। अरे भाई ये सटेज में मड़ा रोड़ा कम करो भाई। तब बूढ़ा कई दिन हो लिए घना बीमार, छोरा ने बोले बाबू किम खागा पीवेगा किसी से फिटेगा। ने बोले भाई खा पिए तो के जा है
बेबे दे फेटूंगा भरपाई दे छोरा कार लेके सड़ दे ने नोले बेबे चाल बाबू बीमार है और तू बुलाई और उसकी गेलियाँ की दौरानी आएगी सूदे घेर में बजा के और वहाँ बोली बाबू राम राम कौड़ी मेरे को रोन लाग गई अरे केरड़ा मेरे क्यों नहीं जाते ये नोले क्यों रोई बेटी नोले बाबू बस याद जी आ गया था हाँ बेटी तेरे बालक राज जी का और उसकी दौरानी खड़ी खड़ी रो ने बोली यहाँ कौन रो है ठाडू ने बोली बाबू या मेरी दौरानी के बात अ क्या कहानी तो खीस है अग जिसके एक मिनट अग जिसके ब्याह ही थी ना वो दो साल पाँच से मर गया बोला फिर अग जेठ का लता और आधा छः महीने उन्होंने ना पाकड़े बोला फिर अग फिर छोटा देवर था फिर वो लता उड़ा दिया दो ढाई महीने में वो भी लिकड़ गया बूढ़ा ने बोला बेटी एक दस एक दिन मेरा भी उड़ ले मेरा जी लिकड़ जाता है ओए लख मी चंदी बनेगी कैसे रानी तोर धनी करण लगी ऐसे सोर पड़े